सभी किसान भाइयों को हमारा सादर प्रणाम। अदरक की खेती में कितने बायो कैप्सूल्स का प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करना और इसके प्रयोग से होने वाले फायदे के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक एकड़ में पूरे 30 कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक पैकेट में 10 कैप्सूल होते हैं। पहले पड़ाव में 10 कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए, दूसरे पड़ाव में 10 कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए और तीसरे पड़ाव में 10 कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए। पहला पड़ाव 45 दिन के उम्र पर एक एकड़ में 10 कैप्सूल का प्रयोग कीजिए। दूसरा पड़ाव पहले पड़ाव के एक महीने के बाद एक एकड़ में 10 कैप्सूल का प्रयोग कीजिए। तीसरा पड़ाव दूसरे पड़ाव के एक महीने के बाद 10 कैप्सूल का प्रयोग कीजिए। अभी मैं आपको कैप्सूल्स प्रयोग करने का तरीका बताऊंगा। एक पानी बॉटल में थोड़ा पानी ले लीजिए। उस पानी में आपके आवश्यकता के अनुसार कैप्सूल डालकर 15 से 20 मिनट छोड़ दें। वह कैप्सूल पूरी तरह पानी में घुल चुके होंगे। उस घुले हुए पानी को आप चार तरीकों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका ड्रिप या स्प्रिंकलर। यदि आपके खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर है तो घुले हुए पानी के मिश्रण को आप वेंचुरी के सहायता से आपके 30 लीटर या 200 लीटर के ड्रिप के टंकी में चढ़ाकर पौधे को पहुंचा दें। चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह के दवाओं में ना मिलाएं। दूसरा तरीका स्प्रे। कैप्सूल के मिश्रण को आप अधिक मात्रा के पानी में मिलाकर अलग अलग भागों में बांटकर बैटरी या हैंड पंप के सहारे आप स्प्रे कर सकते हैं। एक कैप्सूल को आप पूरे 20 लीटर पानी में घोल सकते हैं। स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे का जड़ अच्छी तरह से भीग जाए। यदि ऐसा करने का सुविधा ना हो तो पूरे पौधे पर स्प्रे करके भिगो दें। जो जीवाणु कैप्सूल वाले पानी में मौजूद हैं उनको जमीन में पहुंचाने पर ही ज्यादा लाभ होता है। आपके ताइवान पंप या पेट्रोल पंप का प्रयोग करने से जीवाणु जमीन में ना पहुंचकर पूरे हवा में ही उड़ जाते हैं। तीसरा तरीका छिड़कने की प्रक्रिया। घुले हुए पानी के मिश्रण को आप मिट्टी रेती या बालू में मिलाकर थोड़ा गीला कर लें, जिससे कि आपको छिड़कने में आसानी हो। जिस तरह आप उर्वरक या खाद छिड़कते हैं उस तरह आपके फसल में वह मिट्टी रेती या बालू के मिश्रण को छिड़क दें। यदि आप उस मिश्रण को यूरिया डीएपी में मिलाकर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो काफी सारे जीवाणु मर जाते हैं, जिससे आपको कैप्सूल का पूरी तरह से फायदा नहीं प्राप्त होगा। फिर भी किसान भाई कहते हैं कि उस तरह मिला के इस्तेमाल करने के बावजूद किसान भाइयों को इसका लाभ मिला है। यदि आप अलग से इसका प्रयोग करोगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। चौथा तरीका ड्रेंचिंग या भिगोकर। ऊपर बनाए गए घोल को 200 से 400 लीटर पानी में मिलाकर उसे मग अथवा कंस्थर वाटरिंग कैन द्वारा पौधे तथा उसके जड़ों पर डाल दें। फ्लड इरिगेशन में कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं क्या, ऐसा कई सारे किसान भाई पूछ रहे हैं। यदि आप फ्लड इरिगेशन में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस कैप्सूल में कम मात्रा में अधिक जीवाणु रहते हैं। इसके प्रयोग करने से सारे जीवाणु पौधे तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए पहले वर्ष में ही इसका फायदा आप नहीं उठा सकते। टिप्पणी, यह रासायनिक खाद नहीं है, परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। परिणाम मिलने में कम से कम 30 दिनों का समय लगेगा। आपके कैप्सूल डालने पर पहले दिन से ही जीवाणु इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। आप यह कैप्सूल के मिश्रण को कीटनाशक दवाओं में मिलाकर ना डालें। ऐसा करने से इसमें मौजूद कीटाणु या जीवाणु मर जाते हैं। इन निम्नलिखित कारणों से किसानों को सही परिणाम नहीं मिले: अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक जमीन की सड़न, कीटनाशक दवाओं में मिलाकर इसका प्रयोग करने से, सही मात्रा में इसका प्रयोग निर्देश अनुसार ना करने से किसानों को मनचाहा परिणाम नहीं मिले यह देखने में आया है। इसमें जीवाणु रहते हैं, सभी जमीन में एक ही तरह के परिणाम नहीं मिल सकते। हर किसान का अपना अलग अलग अनुभव है। हम लोग किसान भाइयों को हमेशा यही सलाह देते हैं कि आपके पूरे खेती में इसका इस्तेमाल ना करें और कुछ भाग में इसका इस्तेमाल करें और दोनों के बीच का अंतर देखें। 100 में से 90 किसान भाइयों को इसका सही परिणाम मिला है। अदरक में अपेक्षित परिणाम: जड़ प्रणाली को मजबूत बनाता है, पौधे को हरा और चौड़ा बनाता है, पौधा मोटा और तंदुरुस्त बनता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ना, अदरक का स्वाद बढ़ जाना,
उपज में वृद्धि होना। 100 में से 90 लोगों को बताए गए परिणामों से कम एक तो जरूर दिखे हैं। कई संदर्भों में इससे ज्यादा भी परिणाम मिले हैं। अदरक से संबंधित सभी संदेशों के बारे में मैंने विवरण दिया है, ऐसा मेरा मानना है। अधिक जानकारी के लिए 9121 24 86 66 पर आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद।